गाइस, तो क्या आप लोग भी हेयर फॉल से परेशान हैं? मैं हूँ अपने वॉशरूम में एंड मैं अभी करने वाली हूँ हेयर वॉश। तो कौन से शैम्पू भी यूज करूंगी, क्या करने वाली हूँ, सारी चीजें आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड सबके साथ, ताकि जिनका भी हेयर फॉल होता है वो ये शैम्पू यूज कर पाए एंड हेयर फॉल में इससे फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन स्क्रीन पे शो हो जाए, ताकि आपका मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। एंड ये है शैम्पू, आपने कहीं ना कहीं तो ये शैम्पू देखा होगा। ये है हेड एंड शोल्डर शैम्पू, बट हेड एंड शोल्डर के बहुत सारे, ज्यादातर हेड एंड शोल्डर शैम्पू होता है एंटी डैंड्रफ रिमूव के लिए, बट ये है एंटी हेयर फॉल रिमूव के लिए एंड एंटी डैंड्रफ एंड एंटी हेयर फॉल दोनों रिमूव करता है। एंड मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा था, जैसे कि आपको पता है मैं अपनी वीडियोज में दिखाते रहती हूँ कि मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अभी मैंने ये वाला शैम्पू यूज करना स्टार्ट किया है, जिससे मेरे ड्राई डैमेज डल हेयर जो है वो रिपेयर होना स्टार्ट हो गए हैं। एंड हेयर फॉल की बात करें तो हेयर फॉल मेरा 40 से 50% तक दो यूज में रुक चुका है एंड मैं इसको कंटिन्यू यूज कर रही हूँ और वीडियोज आप लोगों के साथ जाते रहेंगी। तो इस पे देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है हेयर फॉल कंट्रोल, तो 100% डैंड्रफ प्रोटेक्ट, डैंड्रफ को 100% रिमूव करता है एंड क्लिनिकली प्रूव किया गया है कि डैंड्रफ रिमूव करने के साथ साथ आपका हेयर फॉल भी रिमूव करता है हेड एंड शोल्डर। तो चलिए इसको कैसे अप्लाई करना है सारी चीजें इस वीडियो में आपको देखने को मिलती है। तो ज्यादा बातें नहीं करते वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कल लगाया था भर भर के सरसों का तेल, सरसों यानी कि मस्टर्ड ऑयल, एंड मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो आपके बालों के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। और जब जब मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज किया है, सरसों का तेल अप्लाई किया है, मेरा हेयर फॉल काफी हद तक कंट्रोल होने लग गया। जब से मैं सरसों का तेल छोड़ देती हूँ वैसे ही मेरा हेयर फॉल जो है वो बढ़ने लगता है एंड बाल भी बहुत डैमेज होने लगते हैं। तो मैं सरसों का तेल स्टार्ट करती, पहले मैं रबड़ बैंड निकालती थी, इसमें से काफी ज्यादा हेयर निकलने लगते थे, अभी भी निकले हैं बट एक या दो बाल है बस इसमें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हेयर कटिंग की वीडियो अपलोड हो चुकी है, काफी अच्छा हेयर कट हुआ है ये एंड आप जाके चेक कर लीजिएगा आपने नहीं देखा है। तो डायरेक्ट कभी भी शैम्पू को अपने स्कैल्प पे नहीं अप्लाई करना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो शैम्पू, अगर शैम्पू हार्ड हुआ तो आपके स्कैल्प पे जाएगा और आपका हेयर फॉल और तेज हो सकता है। इसलिए आप अपने बालों के अकॉर्डिंग पहले बालों को गीला कर लो या फिर किसी मग में पानी लेके उसमें शैम्पू को घोल लो, उसके बाद अप्लाई करो, शैम्पू को पतला कर लो, उसके बाद बालों पे अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी लिया हुआ है मग में, तो जितने जितने में आपको लगे कि आपका बाल साफ हो जाएगा उतना शैम्पू हमने यहाँ पे ले लिया है। अच्छे से उसको धो लेंगे एंड बालों पे अप्लाई करेंगे। इस तरीके से ही मैं हेयर वॉश करती हूँ, बहुत सारे तरीके बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बताते रहते हैं बट मैं ऐसे ही यूज करती हूँ। तो इस तरीके से आप शैम्पू अगर बालों पे लगाते हो तो आपका जो गाढ़ा टेक्सचर जो शैम्पू का वो डायरेक्ट आपके स्कैल्प पे नहीं पहुंचता है और आपके बालों को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो जैसे कि हेयर फॉल के लिए है ये शैम्पू, तो आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से जैसे मैं मसाज कर रही हूँ वैसे ही मसाज करना है, ताकि आपके स्कैल्प में जो भी दिक्कत है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है वो अच्छे से क्लीन हो पाए। मेरी आंखों में शैम्पू उतर गया, तो इसको अच्छे से इस तरीके से पूरा मसाज कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे रब कर रहे हो तो आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लग जाएगा, पर आपकी स्कैल्प पे जो भी गंदगी है वो रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से अच्छे से स्कैल्प पे मसाज करना है। ओके, मसाज करने के बाद आपको इसको शैम्पू को थोड़ी देर के लिए बालों में ही छोड़ देना है।
इस तरीके से करके 2 मिनट तक छोड़ देंगे, जब तक आप अपना बॉडी वॉश वगैरह जो भी अप्लाई करना है बॉडी को वो आप अप्लाई कर दो। 2 मिनट के बाद इसको वॉश करना है। तो इतना झाग बन गया, थोड़ा कम भी शैम्पू लोगे तो चलेगा, बट अच्छे से क्लीन करना जरूरी है। 1 से 2 मिनट तक आप अच्छे से मसाज जरूर कीजिएगा शैम्पू लगा के। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसको वॉश करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अच्छे से स्कैल्प पे मसाज जरूर कीजिएगा ताकि स्कैल्प की जो गंदगी है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। तो अभी हो चुके हैं 2 मिनट और ये देखिए कितना परफेक्ट लाइनिंग बन रहा है जो हम लोग हेयर स्टाइल बनाते हैं उसमें। तो चलिए पूरा झाग झाग झाग, चलो इसको वॉश करते हैं। वॉश करने के लिए हमने यहाँ पे पानी रखा हुआ है, बाल्टी को कर देते हैं आ गई क्योंकि आपको दिखाई दे अच्छे से। तरीके से हेयर को वॉश करना है एंड मिलते हैं नहाने के बाद। तो हेयर फॉल की बात करें तो अभी बताऊंगी मैं नहाने के बाद।